भैया एक चीज प्रश्न पूछना था। प्रश्न ये पूछना था धर्म कि कर्म पे पूछो। नहीं, धर्म पे नहीं बात करनी है, नहीं नहीं धर्म पे भी हर है। नहीं, आरक्षण आपका मुद्दा नहीं है, धर्म पे पूछ करेंगे। देखो वैसे आइंस्टीन और वाल्मीकि ऋषि का क्या मतलब वो है? नहीं, वो कह रहे हैं धर्म पे बात करनी है। कौन नहीं, मेरे को धर्म पे करना है। ये फोटो किसका लगाया था? जूम करो। पूछ आरक्षण आपका मुद्दा है ही नहीं ना, आप और मैं उससे नहीं, दूर है, छोड़ो। आरक्षण मुद्दा इसलिए, जब समाज के अंग हैं तो आप अरे कैसे छोड़ो कह ना सकते। यार, धर्म पे करो। हम लोग के पास ठेकेदारी धर्म की, उस पे करेंगे। चलो, आप बड़े बामन की मैं, चलो आज तय होगा, आजाद। चल शर्त लगा जा। चलो नीचे भाई, आप लोग सब शर्त लगाना चालू करो। आप भी नाम के ब्राह्मण हैं, मैं भी नाम का ब्राह्मण हूं। वो अभी तय होगा कौन बड़ा बामन। चलो भाई, शर्त लगाना चालू अच्छा, पर करते हैं। ये मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये मतलब ये वाल्मीकि फोटो ऋषि किसकी और लगाया जाती है वाला, आइंस्टीन। थोड़ा दिखाओ ना इनका। हाँ, ये हाँ मतलब मतलब ये दिखाइए क्या है, ना, मतलब जूम कर ये लीजिए। इनका अरे इनका तालमेल क्या है वो अभी भैया? ये आइंस्टाइन ऋषि है यार की, इनका। ये ओहो, ऋषि का और भाई अल्बर्ट आइंस्टाइन का, ये मतलब कॉम्बिनेशन क्या है भैया? दिख रहा होगा कणाद दिख और रहा है, अल्बर्ट दिख। आइंस्टाइन, क्या बात है, हाँ कणाद है। हाँ हाँ भाई बताओ, ये क्या कॉम्बिनेशन है इनका? बताओ भाई। मैं भी विज्ञान का था 11 में, बस आइंस्टाइन का आने ही वाला है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ना। चलो बताओ, समझाओ भाई हमको, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझाओ, उस बताओ। पे तो बात हो चुकी नहीं, वो नहीं, वो स्पेशल पे हुई थी, जनरल पे करेंगे। आपसे ना, जनरल पे ही हुए थे। आज हो फिर कर चुकी थी ना, लो। मतलब इसका मतलब मैंने आपको एक बार बताया था ना। जी, हाँ चलो रिपीट करो। तो उस क्या टॉपिक समझे में तुम? बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, ए प्लीज, आपने बताया था कि इस पे एक टाइम कर्वेचर होता है जिस पे डिपेंड करता है। मैंने नहीं बताया था, आइंस्टाइन ने बताया था। जो आइंस्टाइन ने बताया वो आपको बता रहा हूं मैं। नहीं, तो वो तो मैं आपके हाँ मुख से ही सुना था ना। क्या? अच्छा, इसके पहले आपको पता ही नहीं था? नहीं, उसके पहले था, भूल गया था ना। अच्छा हाँ, बताओ भाई आइंस्टाइन क्या। अब्राहम ब्राह्मण थे भाई। वरुण अरे भाई भैया, कह रहे हैं हर इंटेलेक्ट क्लास ब्राह्मण होता है। हर क्या होता है हर इंटेलेक्ट क्लास जिसका टास्क होता है नॉलेज देना, और ये हर करना, वो चूतिया क्या ब्राह्मण। होता है? हर चूतिया क्या होता है? चूतिया कहीं भी हो सकते हैं, ब्राह्मण भी हो सकते हैं। नहीं, जब आप, अच्छा, अरे तो अभी, अच्छा मतलब हम लोग, हर हर हाँ, सबसे इंटेलेक्ट भी ब्राह्मण होता है, हर सबसे चूतिया भी ब्राह्मण होता है। तो हर इंटेलेक्ट की थ्योरी, मैंने तो कहा नहीं मैं मानता हूं, आप थोपना चाहते हैं। यार जनरल थ्योरी को बताओ। चलो चू चू मत करो, बताओ चू चू करने आए हो यहाँ? तो हम रिलेटिविटी थ्योरी पे तो हम बात करने आए ही नहीं थे। हम जिस पे बात करें आप बात ही नहीं आइंस्टाइन का करें। फोटो लगाए हो भाई, कुछ तो पता होगा उसके बारे में। कौन से साल में दिया था? हाँ, कौन से साल में? दो थ्योरी दी थी है, उसने, करने से क्यों होगा? 1920 के आसपास दिए थे। 1920s में। अच्छा, और स्पेशल कब दिया था? 8-10 साल के ड्यूरेशन में दिए थे, एक साथ 1950, एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। 1950 में स्पेशल थ्योरी दिया था, 1920 में जनरल दिया था। नहीं, 15 मैं कह रहा हूँ, उसके आस 10 से 15 साल के बीच डिफरेंस था दोनों के बीच में, दो थ्योरी दिए थे। 1950 1915 में स्पेशल थ्योरी दिया था और 1925 में जनरल दिया था, ऐसे। नहीं, स्पेशल लेट में दिए होंगे ना, जनरल तो पहले कब दिए होंगे। कब अब 10-15 साल का ड्यूरेशन है, एग्जैक्ट फैक्ट नहीं याद है। आइंस्टाइन अपनी सबसे बड़ी मिस्टेक क्या बोला था अपनी लाइफ की? हाँ, गल्ती जो हुई थी हाँ, उसकी। करता है बामन देवता, है करता है। जब कोई ऐसा सवाल पूछो ना आजाद, तो बामन देवता है, पहले निकालते हैं, पहले आ बाहर निकालते, फिर सवाल बाहर निकालते। हाँ भाई बताओ। आप ब्राह्मण नहीं है क्या? मैं तो बिल्कुल भी नहीं फिर हूं भाई, मैं भाई बिल्कुल टाइटल भी लगा नहीं हूं, घूम मैं रहे, इंसान हूं भाई। टाइटल लगा काय घूम रहे हैं तब? वो इसीलिए लगा घूम रहा हूं ताकि आप लोग का जान जलता रहे।
कि आपके यहाँ कौन पैदा हो गया घर का विधि लंकट आए कैसे हाथ से हो गया अरे तिवारी जी तो ऐसा कर रहे हैं यार बताओ इसी के लिए रहता है ये तिवारी जी अभी चलेगा भी लंबा बहुत बहुत ब्राह्मण कम्युनिस्ट बने हैं तो आप भी एक जो बन रहे हैं बिल्कुल भी कम्युनिस्ट नहीं हूँ मैंने कम्युनिस्ट उधेड़ी है मैं कह रहा हूँ आप भी अंबेडकर वादी बन जाइए तो क्या हुआ बहुत ऐसे ब्राह्मण अंबेडकर वादी बने हैं इसमें क्या हुआ जैसे कौन कौन जैसे जैसे क्या है एक तो वो सत्यार्थ प्रकाश जो थे उन्होंने उसको फॉलो किया था प्रकाश सत्यार्थ प्रकाश आपका प्रकाश नाम है अरे सत्यार्थ प्रसाद जो थे वो अमिट करवा दी थे लो और सुन लो सर अच्छा मुल्ला शंकर तिवारी मुल्ला शंकर तिवारी मुल्ला शंकर तिवारी अरे भैया ये तो हद हो गई आज तो दयानंद सरस्वती अंबेडकर आई दयानंद सरस्वती नहीं मैं उनको कह रहा हूँ ये जो अभी बच्चों के उसपे क्या नाम मॉल न्यूट्रिशन के वर्क वर्क कर रहे थे हैं कैलाश सत्यार्थी कर रहे हो हाँ कल कैलाश सत्यार्थी अच्छा अंबेडकर आइट है वो हाँ अल्टीमेटली उन्होंने एक्सेप्ट किया बोला उन्होंने कहाँ पे कहाँ आप उनके एक्टिविटीज देखिए जो वो परफॉर्म करते हैं कहाँ पे बोला कहाँ बोला हर चीज कुछ व्यक्ति के कार्यों से भी लगता है हर चीज बोलने से नहीं कार्यों से क्या मैं मुंह से बोल रहा हूँ अंबेडकर आइट हुए लो आप बोल रहे हैं हर वाचा कर्मणा वाले भाई कहाँ बोला ये बताओ उनकी एक्टिविटी जाके आप देख लीजिए कि वो उन्होंने अपनी जाति क्यों उन्होंने अपनी ब्राह्मण जाति टाइटल क्यों छोड़ दी उसका मतलब अंबेडकर राइट होता है अरे तो उन्होंने फिर लास्ट में बताया ये जो वल्लरियल सेक्शन के साथ कहां पे बताओ जैसे बताओ कहां भाई उनका इंटरव्यू पढ़ा है वो भी कह दोगे कि इंटरव्यू झूठा है कहां पे कहां बोला है कि मैं अंबेडकर राइट हूं कहां अरे अंबेडकर राइट एग्जैक्टली नहीं उन्होंने कहा कि मैं अपना टाइटल से यही तो बात है ना अच्छा ये बताओ चलो ये इसको छोड़ो कैलाश सत्यार्थी को किसके साथ नोबेल पीस प्राइज मिला था किसके साथ मुझे याद नहीं है अरे रे रे एक लड़की थी ना पाकिस्तानी थी यार लेकिन अरे अखंड भारत वाली थी वो क्या नाम था तो उसका नाम बताओ लड़की का नाम नाम क्या था जल्दी अब इतना बड़ा हिंट दे दिया अरे आप बता दिए नहीं याद है इसमें कौन सा वो अरे मुस्लिम थी ना यार वो आप... पूरे आकलन में वो लड़की फिट नहीं बैठेगी ना मलाला यूसुफ जी नाम था यार उसका तो इसमें कौन सा वो कैलाश सत्य अरे तो मिश्रा जी वो तो अखंड भारत वाली है ना तो अखंड भारत आप बनाना चाहते हैं नहीं नहीं वो तो आप लोग चाहते हो ना तो ब्राह्मणों का सपना ही यही है ना अरे आप तो आप भी तो ब्राह्मण ही हो ना मैं बिल्कुल नहीं हूँ मेरे को तो भूल के मत समझना आपका भी उद्देश्य वही है कि बताओ चलो ये नहीं नहीं अब नहीं नहीं एक मिनट ये इधर उधर साइड से निकल रहे हो फिर से ना मिश्रा जी चलो बताओ आइंस्टाइन ने अपने जीवन की सबसे बड़ी मिस्टेक किसको बोला था किसको बोला था हाँ कि क्या चीजें उन्होंने गलत थ्योरी दे दी क्या है जैसे मैंने उनका एक स्टेटमेंट सुना था उन्होंने कुछ कहा था कि अगर हम मून को नहीं देख सकते इसका मतलब ये नहीं कि मून एग्जिस्ट नहीं करता कि मतलब वो क्वांटम एंटेंगलमेंट और इस सब पे बिलीव नहीं करते थे ये सारी आइंस्टाइन ने किस चीज को अपना सबसे बड़ी अपनी जीवन की भूल कही थी मुझे नहीं पता रिलीजन होगा हाँ कमल का फूल आपकी पढ़ाई साइंस की स्ट्रीम में हुई है क्या वैसे नहीं नहीं ट्वेल्थ तक हुई तो ट्वेल्थ के बाद क्या किए ट्वेल्थ के बाद ग्रेजुएशन कर रहा था बीए हाँ बीए में बीए तो ये कणाद ऋषि और आइंस्टाइन कैसे आया ये मैंने कहीं टाइटल पढ़ा था तो मैंने कहा लगा देते हैं हाँ अच्छा अच्छा मतलब कुछ भी पढ़ोगे लगा दोगे बामन कहीं सड़क किनारे बैठ के टट्टी कर रहा है वो देखोगे उसका फोटो उसको भी लगा के आ जाओगे है ना बुद्धिमानी तो है ना आप सब ये एक मिनट सुनो बुद्धिमानी है ही नहीं आपके अंदर साइंस स्ट्रीम के ही नहीं हो आइंस्टाइन और कणाद ऋषि का फोटो लगा घूम रहे हो
इससे क्या मैसेज जाता है? तो आपको पता नहीं होगा कि उन्होंने वैशेषिक का सूत्र भी पढ़ा था। वैशेषिक का सूत्र पिछली बार बताया था ना, उसमें क्या क्या अंट का संट लिखा है। नहीं तो हर चीज में एक ही एंगल नहीं होता ना, आपकी सोच जैसी आपको वही भाई, वैशेषिक का सूत्र में कितने एलिमेंट्स हैं? वो आप जाके पढ़िए ना। अरे आपने तो पढ़ा होगा ना। नहीं हम केवल वो पढ़ते हैं जो काम का होता है, हर चीज नहीं काम का पढ़ते हैं। वैशेषिक का सूत्र में एलिमेंट्स कितने बताया है? ये सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि मंगलनाथ टेंपल मंगल ग्रह पे कैसे पहुंचा, मंगल ग्रह कहां से करना है, नोट कहां से करना है, लैम्डा क्या चीज है, लैम्डा लैम्डा क्या चीज है पहले बताओ। लैम्डा सिंबल है, है करता है, देखो बावन देवता यार ये पहले है बाहर जरूर निकलता है। हां भाई हां, लैम्डा क्या है? सिंबल है तो किस चीज का अभी ये नहीं पता है, नहीं याद आ रहा। अब ये देखो वही आइंस्टाइन की सबसे बड़ी भूल है, बोलता है आइंस्टाइन। बताओ क्या था, हो सकता है ये चीज कह रहे हैं नहीं पता, हर चीज आपको ही पता है। क्या होता है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, क्या होता है भैया? हम कह रहे हैं कि जो साइंस की हर चीज पता ही होती तो क्यों ना हम आपसे वो करें। कणाद ऋषि और आइंस्टाइन का फोटो लगा घूमने वाले को तो पता ही होगा ना। क्या होता है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, क्या चीज है? तो आप बता दिए फिर हम इसको पढ़ लेंगे, फिर आपसे उस पर डिस्कस कर लेंगे, इसमें कौन सी वो बात है, जरूरी आपको सब चीज आती है? कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट आइंस्टाइन कहता है कि मेरी सबसे बड़ी भूल थी। ठीक है पढ़ के आना। ओके पढ़ लेंगे। कणाद ऋषि मत पढ़ो। ऐसा क्यों? कणाद ऋषि को पढ़ोगे तो लैम्डा क्या है वो पता नहीं चलेगा। ये वरुण भाई बता दिए लैम्डा, वरुण भाई बता दिए भैया लैम्डा क्या है, ये देख लो भाई पढ़ो क्या लिखा है लैम्डा क्या होता है। अरे तब आप जाके आज जाके सब मना भी कर दीजिए ना कि जो इतने रिसर्च कर रहे हैं इन सब, तो बंद कर दें। कौन कौन कर रहा है चलो रिसर्च बताओ। अब आपको तो पता होगा कि कितने जर्मनी, ठीक है जर्मनी के लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं कि जो कणाद ऋषि वो क्या की है, उनको और कोई काम धंधा नहीं है। वेदास पे रिसर्च कर रहे हैं क्या? नाम बताओ थोड़ा सा। हाँ अच्छा क्या? चलो नाम बताओ, यही सारे लोगों के सामने में बात होगी आज। क्या बताना बताइए, बताओ नाम बताओ, कौन है वो जर्मनी का जो वेदास पे रिसर्च कर रहे? तो यूनिवर्सिटी का नाम बताना है? नहीं नहीं कौन है वो आदमी, कौन है जब यूनिवर्सिटी रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें तो कई लोग होंगे ना। हाँ कौन सी यूनिवर्सिटी, लेट मी स्पीक। हाँ आई विल लेट यू सी, या इंग्लिश भी बोलता है भाई अभी। हाँ हाँ करेगा देखना आजाद। वेदों में विज्ञान है ये तो बोलता है ना भाई, उस टाइम भी बोल रहा था इंग्लिश, ये इंग्लिश बोलने वाला टूम नहीं है भैया। हमने आपके लिए गलत भाषा शैली का प्रयोग नहीं किया, अब ये कौन सी वो आपकी शब्द आप प्यारे भाई हो मेरे यार, प्यारे भाई लोग को हमको वैसे नाम नहीं दे सकते क्या? प्यारे भाई हो आप मेरे। अच्छा छोटा भैया सब गुड्डा भैया गुड्डा भैया। चलो भाई ये वाला पूछ लेते हैं बहुत दिन के बाद। चलिए भाई ये थोड़ा सा मेरे को, ये यजुर्वेद भाष्य, यजुर्वेद अध्याय 25 मंत्र साथी पढ़िए थोड़ा जोर से, इनसे ही पढ़वाइएगा मिस्टर। हाँ हाँ यही अच्छी पढ़िए। हाँ भैया दयानंद का इंटरप्रिटेशन है ना? हाँ 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 ओके। नहीं मानते वो तो अम्बेडकराइट थे ये, मानते हैं ये मानते हैं ये मानते हैं दयानंद को। हाँ हाँ ये उन्हीं के इंटरप्रिटेशन को मानते हैं। ठीक है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हर गलती हर व्यक्ति से होती है। क्या लिखा है, हे मनुष्य तुम मांगने से पुष्टि करने वालों को स्थूल। आप लोग को केवल एक ही श्लोक मिलता है क्या? जहां जाता हूं केवल एक ही श्लोक उनके पास रहता है क्रिटिसाइज करने का, बस यही है और कोई दूसरा नहीं। और है मेरे पास और है, दूसरी जगह जहां जाते हो ना उससे कहीं 5 गुना ज्यादा लिटरेचर लेके बैठा हूं मैं, और पढ़ा देता हूं। लो चलो इसको पढ़ो, अध्याय 25 भी ज्यादा होगा, उससे भी ज्यादा होगा, ये उससे भी ज्यादा होगा, मतलब जितना उसके सपने में देखा नहीं होगा ना, आएगा वो पाएगा। यहाँ पे तो बिल्कुल मैं निराश भेजता ही नहीं भाई,
ठीक है, चलो ये वाला पढ़ लो, चलो अध्याय 25 मंत्री। हे अच्छे ज्ञान की चाहना करते हुए ज्ञानी जन शरीर को अच्छे प्रकार धारण करने हारे अंडों से, ठीक है, वीर वर्षा लेने वाले अंग को मुख से, हाँ ठीक है आगे, चारों हाँ जो केस अर्थात दाढ़ी उसमें अच्छे प्रकार धारण करने चाहिए जी। अरे इसको मतलब समझे क्या है? अच्छा एक बात बताओ, आपको अच्छा ज्ञान चाहिए? हाँ आप दे रहे हैं ना, हाँ दे दीजिए। नहीं नहीं आपको चाहिए क्या अच्छा ज्ञान? जी जी क्यों नहीं, वो तो हर व्यक्ति को चाहिए। हाँ तो भाई ये देखिए ये क्या कह रहे हैं, प्रकांड पंडित महान घंटोल दयानंद सरस्वती जी कह रहे यजुर्वेद अध्याय 25 के मंत्र एक में, हे अच्छे ज्ञान की चाहना करते हुए ज्ञानी जन, हे अच्छे ज्ञान की चाहना करने वाले सत्य प्रकाश मिश्रा, वीर को अच्छे प्रकार धारण करने वाले आंडों से और वीर वर्षाने वाले अंग लिंग के मुख को चारों ओर केस अर्थात दाढ़ी उसमें पदार्थ अच्छे से ग्रहण करें। आपके दाढ़ी है? वो तो आपका होगा, आपको होना, इसलिए नहीं नहीं आपका है क्या? छोटा छोटा तो आता होगा ना कुछ तो? वो केवल आप ले एग्जांपल है उसके, आप अपने देखो, ये आपके लिए लिखा है क्या? ये देखो, हे सत्य प्रकाश मिश्रा अपने वीर को अपने दाढ़ी मूछ में लगा लो, उससे आपको अच्छा ज्ञान नहीं मिलेगा। अध्याय 25 मंत्र एक और दिखाऊं, जहां जाते हो वहां से तीन गुना आगे है मेरा। हाँ ठीक है ठीक है, इसमें कौन सा हाँ, तो इस और क्या क्या वो समझा दो भाई, वो समझाओ भाई, इसका समझाओ, इसका विज्ञान समझाओ, विज्ञान समझाओ। तो क्या हर श्लोक कणाद ऋषि आपके क्या कर रहे थे, ये सारी चीजें लिखते थे या फिर साइंस वाइंस थोड़ा लिखे? हाँ भाई बताओ, बोलो ना क्या क्या पूछ रहे हैं आप? ये क्या है, आपके वेद में लिखा है वीर को अपने दाढ़ी मूछ में लगा उससे अच्छा ज्ञान मिलेगा, चलो बताओ इसमें साइंस बताओ। उसमें उसमें ये कहाँ लिखा है इससे अच्छा ज्ञान मिलेगा? हे अच्छे ज्ञान की चाहना करने वाले ज्ञानी जन, फिर चू 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 करने से नहीं होता भाई। अच्छा फिर मैं भी वेद के श्लोका बताऊं तो फिर उनका भी इंटरप्रिटेशन हो जाता। अच्छा सुनो, आपको अपने हाँ। जीवन में दुख विनाश चाहिए, मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत सारा पैसा चाहिए, क्या चाहिए बताओ? क्या कह रहे हैं, आपके जीवन में पैसा और दूसरा क्या? जीवन में बहुत ज्यादा पैसा चाहिए कि आप चाहते हो कि मेरा दुख हमेशा खत्म हो जाए, दो में से कोई एक बताओ। दुखी तो हर चीज का कारण है ना। हाँ तो आपको दुख खत्म करना है ना, तो ये देखो भाई यजुर्वेद अध्याय 21 के मंत्र 60 में लिखा हुआ है, हे मनुष्यों यानी हे सत्य प्रकाश मिश्रा जी, अपान के लिए दुख विनाश करने वाले छेरी आदि पशु से, छेरी का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? बकरी। वाणी के लिए मेंढा यानी मेंढा को, परमेश्वरी के लिए बैल से भोग करें। तो आप एक बकरी पकड़ो, पाल लो मैं तो बोलता हूँ, छोटी वाली, ठीक है, बचपन से उसको पालो, अच्छे से मोटी ताजी करके बड़ा करो, फिर उसके साथ सेक्स करोगे ना। ये दया ये आपका एक कौन सा श्लोक है? यजुर्वेद, यजुर्वेद 21:60। डाउनलोड तो कर लो। अरे भैया अभी डाउनलोड ही करोगे? कर लो आराम से कर लो। हाँ कर लो बकरी डाउनलोड कर लो भाई एक। अरे डाउनलोड के चक्कर में खुद ही चले गए, डाउनलोड के चक्कर में खुद ही डाउनलोड हो गए, डाउनलोड हो गए भाई, चले गए यार। अरे यार मजा नहीं है, ये खुद ही डाउन हो गए, डाउनलोड के चक्कर में खुद ही डाउन हो गए। हाँ ये मिश्रा जी यार अब डाउन ही हो गए थे डाउनलोड के चक्कर, वो मोबाइल से कर रहे थे ना तो शायद इसलिए प्रॉब्लम। क्या कर रहे थे यार मोबाइल से? डाउनलोड मोबाइल से कुछ मत करो भाई। हो गया अच्छा, डाउनलोड हो गया अब ठीक हो गया, इतने नकारात्मक मोबाइल से ही चालू कर दिए। जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी, और प्रभु ने देखी मूरत या मतलब किसने देखी मूरत? इसीलिए आपके ब्राह्मण लोग शिवलिंग का पूजा करते हैं, जाकी रही भावना जैसी के कारण उसका महत्व आ रहे हैं आप लिंग का।
लिंग का मतलब शिव पुराण में लिंग है भाई, लिंग दारुवन में वो सावधान मुद्रा में लेके गए थे शंकर जी, ठीक है लिखा है शंकर संहिता जाकर पढ़ लो। तो वही तो आप लोग इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं, जो इंटरप्रिटेशन नहीं वही लिखा है वहां, लिंग का मतलब चिन्ह है, लिंग का मतलब चिन्ह लिंग है, और नीचे में जो गोल दिखाई देता है ना पार्वती जी की योनी है, ठीक है फालतू बात मत करो, अभी आप फिर दिखा दूंगा ना बहुत बेइज्जती हो जाएगा फिर से। शिवदूती दिखाओ। हाँ वो जाकी रही भावना ही चल रहा था, जाकी रही भावना जैसी उसने बोला शिवदूती वैसी जनेऊ चढ़ा है, तो लिंग देखे तो बोले चलो इसी पूजा चालू कर देते हैं। देखो हर चीज जो व्यक्ति सेक्स तक लिमिटेड रहता है जिसके थॉट में, वो हमेशा यही सोचता है। अरे तुम्हारे पूरे धर्म पे ही सेक्स पिटका है यार, धर्म यार पूरा यार, पूरा यार मंदिर ही इसी पे बनाया यार आपका, तो गजराओं देखो जाके 24 सेकंड नहीं लगाता यार इसको सोचने में, और भी चीज है भाई पढ़ने के लिए दुनिया में। भैया आपके जो जितने भी भगवान थे ना वो ये ठरकी थे, हजार हजार साल तक, सौ सौ साल तक टिके रहे भाई। हनुमान जी कैसे पैदा हुए दिखाऊं फिर आपको? अच्छा सत्य प्रकाश मिश्रा जी आपको पता है हनुमान जी कैसे पैदा हुए थे? जब बस सर लेबोरेटरी के बाहर नटराजन की मूर्ति क्यों लगी है केवल इतना जान के समझ लीजिए आपको पता चल जाएगा। आप ही बताओ, आपको ये पता है हनुमान जी के कैसे पैदा हुए थे? आपको ये पता है वाला? हाँ आजाद बताओ ये वाला। चलो यार बताते हैं, देखो यार अच्छा हनुमान जी को मानते हो मतलब पूरा भाई हनुमान जी के भक्त हो? हर मंगलवार सुनिए अमित भैया, आपसे पहले भी मैंने बताया था कि मैं वेद मानता हूँ, पुराण को मानता हूँ, वो केवल धारण करने वाली चीजें है कि आपको जीवन में ये चीज धारण करनी है। उसकी वो क्या धारण कर लिया? अरे चलो धारण करवाते हैं, देखो ये ज्ञान को धारण करो। चलो यार देखो ये वाल्मीकि रामायण है, देखो वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड गीता प्रेस गोरखपुर से ये छपती है, ठीक है। अब इसका हम आपको लेके चलते हैं, ये आपको पेज नंबर भी दिख रहा होगा ना, कौन सा कांड है ये बता दीजिएगा। बता रहे ना ये कांड भाई वाला। कांड भी बड़ा कांड है, किष्किंधा कांड में ये आता है, ठीक है। अच्छा सष्टम सर्ग है ये, ठीक है। और मैं आपको ट्रांसलेशन किस इसमें लेके, अरे भैया गीता प्रेस से छपा ट्रांसलेशन जो भी सत्यार्थी जी का है, सत्यार्थी जी का है। चलो ये यहीं से पढ़ाते हैं आपको, देखो ये षट षष्ठतम सर्गा है, यानी षट षष्ठतम मॉरल टीचर सर क्या होगा ये 66-67 ऐसा कुछ होगा ना, इनसे पूछ लो ये बड़े ज्ञानी है, ज्ञानी हाँ यार संस्कृत में ये षट षष्ठतम परम ज्ञानी से पूछो एक बार। देखो ये देखो चलो किष्किंधा कांड है, देखो ये अरे किष्किंधा कांड है, ठीक है। और ये षट षष्ठतम सर्ग है, ठीक है। षट यानी 6 और षष्ठतम यार वही 66 वाला सर्ग होगा, ठीक है। अरे जाकी रही भावना तो, जैसी आजाद पढ़ दो कुछ भी अरे ये चलो ये पेज नंबर देख लो 922 से किष्किंधा कांड है, और उसका षट षष्ठतम सर्ग है। जामवान का हनुमान जी को उनकी उत्पत्ति का सुनाकर समुद्र लंघन के लिए उत्साहित करना। वो देखो वो बताते हैं कि लाखों बानर की सेना को इस तरह विषाद में पड़ी देख जामवान ने हनुमान जी से कहा, बानर राज वीर तथा संपूर्ण शस्त्र वेत्ताओं में हनुमान जी तुम एकांत में आकर चुपचाप क्यों बैठे, कुछ बोलते क्यों नहीं है? हनुमान तुम बानर राज सुग्रीव के समान पराक्रमी हो और तेज बल में श्री राम और लक्ष्मण के तुल्य हो। कश्यप जी महाबली पुत्र और समस्त पक्षियों में श्रेष्ठ, बिंता नंदन गरुण है उन्हीं के समान तुम भी हो, विख्यात शक्तिशाली एवं तीव्रगामी हो। महाबली महाबाहु पक्षीराज गरुण को मैंने समुद्र में कई बार देखा है, जो बड़े बड़े सर्पों को वहां से निकाल लाते हैं। आगे ये देखो यहाँ पर ये बताते हैं हनुमान जी की पैदावार के बारे में, ये श्लोक नंबर यहाँ से शुरू होते 12 से पूरी ये यहीं से बता देते ना। ये देखो ये कहते हैं, वीरभर तुम्हारे प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। पुंजिक स्थला नाम से विख्यात जो अप्सरा है वह समस्त अप्सराओं में अग्रण है। तात एक समय साप बस वह कपि योनि में अवतरीण हुई, उस समय हुआ है बानर राज महामनसुई कुंजर की पुत्री इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली थी। इस भूतल पर उसके रूप की
समानता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी, वह तीनों लोगों में विख्यात थी, उसका नाम अंजना था। ये हनुमान जी की माता के बारे में बात कर रहे हैं। वह वानर राज केसरी की पत्नी हुई। अब देखिएगा, ये वो कहते हैं एक दिन की बात है, रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली अंजना मानवी स्त्री का शरीर धारण करके वर्षा काल में मेघ की भांति श्याम कांति वाले एक पर्वत के शिखर पर विचर रही थी, यानी घूम रही थी। उसके अंगों पर रेशमी साड़ी शोभा पाती थी, वह फूलों की विचित्र आभूषणों से विभूषित थी। उस विशाल लोचना बला का सुंदर वस्त्र तो पीले रंग का था, किंतु उसके किनारे का रंग लाल था। वह पर्वत के शिखर पर खड़ी थी। उस समय वायु देवता ने उसके वस्त्र को धीरे से हर लिया, यानी हरण कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने उसकी परस्पर सटी हुई गोल गोल जांघों, एक दूसरे से लगे हुए पीन उरोजों तथा मनोहर मुख को देखा। उसके नितंब ऊंचे और विस्तृत थे, कटी का भाग बहुत ही पतला था, उसके सारे अंग परम सुंदर थे। इस प्रकार बलपूर्वक, यानी अपने बलपूर्वक शक्ति पूर्वक यशस्विनी अंजना के अंगों का अवलोकन करके पवन देवता काम से मोहित हो गए। मतलब हनुमान जी के जो पिता है ना काम, पवन, ये काम मोहित हो गए भैया। उन्हें संपूर्ण अंगों में काम का भाव आवेश हो गया और मन में मन अंजना में ही लग गया। उन्होंने उस अनिद्य सुंदरी को अपनी दोनों विशाल भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। अंजना उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती नारी थी, अतः उस अवस्था में पढ़कर वह वहीं घबरा उठी और बोली, कौन मेरे पति व्रत का नाश करना चाहता है। ये देखो वो बोल भी रही ना, मेरे पति व्रत का नाश कौन करना चाहता है। अंजना की बात सुनकर पवन देव उत्तर दिया, सुश्रोणी में तुम्हारे एक पत्नी व्रत का नाश नहीं कर रहा हूं, अतः तुम्हारे मन से यह भय दूर हो जाना चाहिए। यशस्विनी, मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मन के संकल्प द्वारा तुम्हें तथा समागम किया है, इससे तुम्हें बल पराक्रम से संपन्न एवं बुद्धिमान प्राप्त होगा। अब तो देखो वो कह रहे हैं उन्होंने शक्ति रूप से और बल पराक्रम से जबरदस्ती मतलब उनके साथ आलिंगन किया है और समागम किया, अब इससे तुम्हारा जो पतिव्रत है वो नष्ट नहीं होगा। तो इस ऐसे भैया ये हनुमान पैदा हुए थे। देखो मजे की तो बात ये आजाद, वो जो भालू है जामवन तो खुद हनुमान को बता रहे हैं, सब हनुमान को बता रहा है देखो कि हाँ यार कि तुम मतलब इस तरीके से बलात्कार के वजह से पैदा हुए थे। ऐसे अब यहाँ कैसे जाकी रही भावना बताओ भाई इसमें। पेरेंट्स की सेक्स लाइफ बताओ, लोग तो बताइए भैया जी थोड़ा क्या बताइए। श्लोक बता दो। अरे भैया श्लोक 12 से लेकर 20 तक पढ़ लेना, 66वां सर्ग है, ठीक है, 12 से 20। किष्किंधा कांड है। नहीं आज मैं सुनूंगा क्या क्या गलतियां हैं ना, ताकि मैं भी स्टडी कर सकूं। ठीक है आगे। अच्छा ये करके आना आप जी, ये वाला पढ़ के आना फिर। हाँ फिर बताना यही वाला। बात करने में हमको आपसे करना है, आपसे आरक्षण में थोड़ी ना बात करना है, आपका मुद्दा ही नहीं है वो सब। ठीक है ठीक है ठीक, आपका मुद्दा ये वाला है सब। अभी और दूं होमवर्क काफी है। नहीं दे दीजिए जितना हो उतना दे दीजिए। जितना हाँ चलो यार जाओ, इतना होमवर्क बहुत है यार हमारे साथ, इतना काफी है यार आज के लिए। हाँ